तो सो हेलो गाइस, आई होप कि आप सब बहुत हैं। तो गाइस आज मैं आप लोग लेकर आया हूँ बहुत ही हार्ड बैकग्राउंड एडिटिंग, जो कि देख सकते हैं बहुत ही हार्ड मैंने बैकग्राउंड चेंज किया हुआ है और बहुत ही आसान तरीके से। देख रहे हैं गाइस कुछ इस तरह से, देखिए मैंने यहाँ पे दिख रहे हैं कितना हार्ड मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड को जो है मैंने यहाँ पे चेंज किया हुआ है, और वो भी मुझे इस बैकग्राउंड को चेंज करने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगा, बस 2 मिनट लगा गाइस। अगर यकीन नहीं तो आप लोग देखिए, और अच्छा मतलब नहीं होगा 2 मिनट भी नहीं लगेगा गाइस, ठीक है ना। और आप लोग को नहीं हो पाता है तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं, जो भी आप लोगों को मन करे वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और 2 मिनट के अंदर मैंने बैकग्राउंड चेंज नहीं किया तो ठीक है बस। बट आप लोग उसके उससे पहले सबसे पहले क्या करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी इस चैनल पर नए प्लीज, ठीक है। और गाइस देखिए हम क्या करते हैं, चलते हैं और आप लोगों को मैं बताता हूँ कि 2 मिनट के अंदर हम लोग कैसे इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे बैकग्राउंड को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं अपने ओरिजिनल पिक पे, जो कि हमारा कुछ इस तरह का पिक है। तो गाइस हम अगर फोटो एडिट करते हैं, ठीक है, तो हम फोटो एडिट करते हैं तो हम डायरेक्ट ऐसे ही नहीं कर देते, ठीक है ना। उस फोटो को पहले हमको क्या करना है, फेस पर भी ध्यान देना पड़ता है, हर एक चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, फोटो को शेयर करते हैं, ठीक है ना। और शेयर करने के बाद थोड़ा सा हम उस पर करते हैं काम कर लेते हैं, ठीक है। तो उस फोटो को ले चलते हैं लाइट रूम में, ठीक है, बस थोड़ा सा काम करते हैं। उसके बाद से देखिए लाइट रूम जैसे हम काम खत्म करेंगे, ठीक है ना, वैसे मैं आप लोग दिखाऊंगा बहुत ही हार्ड यहाँ पे। प्लस मेरा फोटो इसमें है तो हम इस फोटो को हटा देते हैं, ठीक है, फोटो को हटा देता हूँ। उसके बाद से अब क्या करता हूँ, फिर फोटो को शेयर करता हूँ और जाता हूँ लाइट रूम में, ठीक है। तो चलिए लाइट रूम में आ गया अब मैं, ठीक है। देखिए इस तरह से मेरा ओरिजिनल फोटो देखिए ये कैसे है, ठीक है, और यहाँ से मैंने जिस फोटो को शेयर किया था वो वाला फोटो आप दोनों मैच कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ गए, आने के बाद से अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, एडिट वाले ऑप्शन जाने के बाद से लाइट पे चले जाएंगे, लाइट पे जाने के बाद थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको कम करेंगे कॉन्टेस्ट को, ठीक है, और हाईलाइट को थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग कम करेंगे, शेडो को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और सीधे ब्लैक को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे कम करेंगे कुछ इतना। इतना करने के बाद से हम क्या करेंगे, कलर पे आ जाएंगे, कलर पे आने के बाद से हम इसे केवल इतना कुछ बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। फिर मिक्स आएंगे, मिक्स पे आने के बाद से हमें देखिए कुछ इसे इतना रख लेंगे और इसे इतना रख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे सेकंड वाले कलर पे, और सेकंड वाले कलर पे आने के बाद से हम इसे क्या करें थोड़ा सा कम करेंगे और इसे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। देख रहे ना कितना अच्छे तरीके से हमारे यहाँ पे फेस चेंज हो गया, फेस का कलर, ठीक है, और गोरा भी हो रहा है। तो आप लोग देखिए बस थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए, मैं आप लोग को अच्छे तरीके से बताता हूँ हर एक चीज़। बैकग्राउंड तो बहुत ही आसान तरीका चेंज करना जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ, बहुत कम लोग बताए भी होंगे, नहीं बताए होंगे शायद, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब क्या करना है हमें, यहाँ पे थोड़ा सा बस इसे इसे रहने देंगे, इसे थोड़ा सा इसे कुछ बढ़ा लेना, इसे इतना कर लेना, डन कर देना। इतना काम करने के बाद इफेक्ट में आना है, क्लियरिटी को बढ़ा लेना है, टेक्चर को यहाँ से क्या करना है हमें कम कर लेना है। तो देखिए मैंने कर लिया, उसके बाद से क्या करना है, डिटेल्स को यहाँ पे डिटेल्स बजाने के बाद से यहाँ पे देखिए एमलोड यहाँ पे इसे थोड़ा सा बढ़ाएंगे और फोटो को हम लोग यहाँ से शेयर करेंगे, और शेयर करने के बाद से फोटो को हम लोग कर लेंगे सेव, ठीक है। अब देखिए सेव करने के बाद से अब हम जो बोले थे आप लोगों को 2 मिनट भी नहीं लगेगा बैकग्राउंड चेंज करने में, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और ऐसे ही इसी सेम बैकग्राउंड मैंने चेंज करके आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। और जो मैं ट्रिक आप लोग बताने वाला हूँ वो अभी तक कोई बताया नहीं होगा शायद, ठीक है, तो इसीलिए आप लोग एकदम अच्छे तरीके से देखें। तो अब क्या करें, इस फोटो को हम देखिए यहाँ से शेयर करेंगे, और शेयर करने के बाद हम सीधे इस फोटो को लेकर चले जाएंगे कहाँ पे, फोटो रूम में, ठीक है। अब देखिए फोटो रूम में आ गए, यहाँ पर देखिए फोटो रूम में आने के बाद से देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड मेरा 1 मिनट या 2 मिनट कैसे चेंज होगा उससे भी कम समय में। ऑल यहाँ पे AI बैकग्राउंड है, ठीक है, एक बार और मैं बैक करता हूँ, और देखिए यहाँ पे क्या दिया है, AI बैकग्राउंड, ठीक है। इस पर क्या करना है, हमको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद देखिए खुद से ये क्या कर रहा है, बैकग्राउंड सारा बना कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ से चलिए देखते हैं हम खुद से सारा क्या कर रहा है, बैकग्राउंड बना कर दे रहा है। तो आप लोग का जैसे फोटो रहेगा वैसा आप लोग बैकग्राउंड रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए मूड के यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे टेक्चर देख रहा है, आप लोग जो चाहें वो आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो बट हमने जो लगाया वही तो आप लोगों को दिखाना है, नहीं तो कहेंगे कि ये तो चुतिया बना दिया, ये से कर दिया, वो हो गया, इधर उधर की बात है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे इस वाले पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा टाइम लेगा, लोड ले रहा है, और 4 फोटो मेरा बन गया। अब क्या करना है, जनरेट फॉर मोर कर देना, और हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो जनरेट फॉर मोर कर देना है, 4 मेरा फोटो और बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए आप लोगों के सामने, ये भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो हमें और एक बार कर देना है जनरेट फॉर मोर, ठीक है। अब देखिए और मेरा फोटो यहाँ पर बन गया, बन गया ना गाइस। अब देखिए यहाँ से देखिए और भी हम लोग कर सकते हैं जनरेट फॉर, जब बहुत सारे मतलब ये बना ही देगा, 20 के आसपास बना ही देगा फोटो। तो देखिए हमारा अभी और भी हम लोग कर सकते हैं,
आप देखिए, जब तक हमें अपने हमारा अच्छा फोटो ना मिले तब तक हमें क्या करना है, यहाँ पे करते रहना है, ठीक है। तो मैंने जो उसमें लगाया हुआ था वो हमें मिल जाए तो हम क्या करेंगे, देखते हैं यहाँ पे, चलिए ठीक है। वो वाला कौन सा हो सकता है हमारा, जो आप लोग अच्छा लगे वो आप लोग लगा सकते हैं सपोर्ट, ठीक है। मुझे मेरे में ये वाला था तो चलिए मैं ये वाला लगा लेता हूँ, ठीक है। तो इस फोटो मैंने क्लिक किया और फोटो को देखिए, और मैं आप लोग को एक राज का बात बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फोटो रूम में केवल जाना ही नहीं है, देखिए यहाँ पे फोटो रूम, यहाँ पे सॉरी हमारा ये गड़बड़ हो गया है, ऐसे मैं इसे एक बार बैक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे फोटो रूम का लोगो यहाँ पे नहीं है, मैं यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लिए फोटो रूम का जो लोगो होता है वो नहीं है। तो गाइस अगर आप लोग को ये वाला चाहिए, ठीक है ना, ये वाला चाहिए, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पहले फिक्स कर लेता हूँ और यहाँ से फोटो को सेव कर लूँ, तब मैं बताता हूँ आप लोग क्या करना है, ठीक है। यहाँ सेव कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए सेव कर लिए, अगर आप लोग को ये वाला चाहिए, ठीक है ना, फोटो रूम जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ से दिखाया तो मैं आप लोग कौन सा फोटो रूम यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैं ये वाला फोटो रूम यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला देखिए मैं फोटो रूम यूज़ कर रहा हूँ, और आप लोग को ये वाला फोटो रूम यूज़ करना है, ठीक है ना। तो यूज़ करना है तो आप लोगों को क्या करना है मैं बताता हूँ, बिना वाटरमार्क वाला मैं आप लोग बताता हूँ क्या करना है। आप लोग को सिंपल सा यहाँ पे इंस्टाग्राम पे चले जाना है, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे जाने के बाद आप लोग सिंपल क्या कीजिएगा, यहाँ पे सर्च बॉक्स में चले जाइएगा और R2 एडिटर लिखकर सर्च कर लीजिएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दूंगा लिंक, उस पर भी जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जाने के बाद से देखिए आप लोग क्या करना है, यहाँ पे दिया है, ठीक है, ब्रॉडकास्ट चैनल है यहाँ पे R2 एडिटर के नाम से, ठीक है। इस पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आप लोग को मैं 10 बजे तक या 11 बजे तक मैं आप लोग को लिंक यहाँ पे दे दूंगा और जाकर आसानी तरीके से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग जाकर और ज्वाइन कर लीजिए अभी जल्द से जल्द, ठीक है। तो चलिए मैं ये करता हूँ और मैं यहाँ पे भी दे दूंगा और यहाँ पे नहीं दूंगा तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर एक बार सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम पर मैं ज़रूर आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। आप लोग R2 एडिटर जाकर टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं आप लोग, मैं एक बार आप लोग को वहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर चलिए देखिए आप लोग R2 एडिटर भी यहाँ पे जाकर और सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आप लोग को अपना चैनल दिखा देता हूँ R2 एडिटर वाला, ये रहा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखिए मैं हर एक चीज़ें डालते रहता हूँ, ठीक है। और कोई ऐप रहता है तो उसको भी देखिए, यहाँ पे फोटो लैब ऐप का भी मैंने डाला हुआ है तो डालता रहता हूँ। तो आप लोग जाकर इस पर भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमारा ये काम हो गया हमारे, अब चलते हैं फोटो देखते हैं हमारा सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए हमारे यहाँ पे फोटो ऐसे था और अब ऐसे सेव हो चुका है, बैकग्राउंड मेरा चेंज हो चुका है। अब देखिए क्या करना है हमें, बैकग्राउंड चेंज ही करना केवल नहीं है, देखिए यहाँ पे पूरे तरह से यहाँ पे क्लियरिटी मेरा फोटो नहीं बना है। और देखिए यहाँ पे मेरा क्या हुआ, ये थोड़ा सा हम क्या कर रहे थे बता रहे थे आप लोगों को, थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो अच्छे तरीके से सेव नहीं हुआ है। तो हम कोशिश करते हैं एक बार और अच्छे तरीके से हम सेव इसे कर लेते हैं, बैक आते हैं और बैक आने के बाद इसे एक बार बैक कर लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं। चलिए मैं इसे पूरा बैक ही करता हूँ, एक बार इसमें ले लेता हूँ और फिर क्या करता हूँ इसे सेव कर लेता हूँ ताकि मुझे और आसानी हो और आप लोग को भी देखने में थोड़ा आसानी लगे फोटो एडिट करना, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से एक बार इसे शेयर करता हूँ और सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ, अब देखिए यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब हमारा ये वाला नहीं है कुछ भी। अब देखिए इस फोटो को हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए इस फोटो को अभी थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्वालिटी थोड़ा सा डाउन हो चुका है, तो क्वालिटी डाउन करेंगे और स्मूथ का भी काम करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं इस फोटो को यहाँ से शेयर करते हैं और लेकर चलेंगे सीधे स्नैपशीट में, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद से हम क्या करेंगे, डिटेल्स पे चलेंगे और शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है ना, और यहाँ से डन कर देंगे। फिर फोटो को यहाँ से हम शेयर करेंगे और शेयर करने के बाद इसे सीधे हम ले चलेंगे लाइट रूम में, ठीक है। तो चलिए देखिए हम लाइट रूम में आ गए। अब देखिए लाइट रूम आने के बाद एडिट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, ठीक है। और एडिट वाले ऑप्शन पे आने के बाद से हम थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ पे इफेक्ट वाले पे आ जाएंगे, ठीक है, और क्लियरिटी को बढ़ा लेंगे, टेक्चर को कम करेंगे, डिटेल्स पाएंगे और शार्पनिंग को बढ़ा लेंगे, बस इतना ही करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं फोटो को यहाँ से चलिए सेव, ठीक है। अब देखिए हमारा फोटो यहाँ पे सेव हो चुका है, गैलरी में चलते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए अब हमारा क्या हुआ, पहले से यहाँ पे देखिए जो है मतलब डिटेल्स क्लियरिटी जो है हमारे यहाँ पे बढ़ चुका है पहले से, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं था पर अभी हमारा बढ़ चुका है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा काम। अब देखिए अब इस फोटो को हम क्या करेंगे, यहाँ से शेयर करेंगे और स्मूथ का थोड़ा सा काम कर लेंगे, ठीक है। तो स्केचबुक हम चल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद से देखिए हमारा सॉरी पहले का फोटो यहाँ पे मेरा है, तो इसे हटा देते हैं, एडिट कर देते हैं, फिर एक बार और लेके चलते हैं और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना। मैं पूरा नहीं बताऊँगा आप लोग, बस हल्का सा ही बताऊँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम आ गए। अब देखिए स्मूथ कैसे करना है, यहाँ पे ब्रश वाले ऑप्शन में चले जाना है और ब्रश को चेंज कर ये वाला हमें ब्रश रखना है और सेटिंग कुछ आप लोग इस प्रकार रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या करें, हम इसे अपने हिसाब से साइज कैसे कर लेंगे और जितना ज़्यादा जूम करके आप लोग करेंगे स्मूथ उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह से कर लीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दबाजी में कर लेता हूँ ताकि आज ज़्यादा देर का वीडियो ना बने और आप लोगों को भी ज़्यादा देर ना लगे। तो चलिए देखिए मैं यहाँ पे फटाफट जो भी जितना ही होता है चलिए इतना ही रन देते हैं हम, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा बस अच्छे तरीके से, और नहीं भी होगा तो ठीक है आप लोग मेरा चैनल पे क्या करेंगे दूसरा वीडियो देख लीजिएगा स्मूथ वाला, मैं आप लोग बहुत सारा स्मूथ का वीडियो बताया हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो हमारा ये काम हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इतना काम होने के बाद हम क्या करें, इस फोटो को चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब सेव करने के बाद लास्ट काम है कि हमारा फोटो को और भी ज़्यादा हार्ड क्वालिटी में ले जाना, और भी ज़्यादा कलर चेंज करना, और ज़्यादा कलर का मतलब हार्डनेस में ले जाना, एकदम हार्डनेस बनाना है हमारा कलर को, ठीक है। तब क्या करें, इस फोटो को हम यहाँ से शेयर करेंगे, और शेयर करने के बाद फोटो को ले चलेंगे लाइट रूम में, ठीक है। अब देखिए लाइट रूम में आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेल्स पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे कलर पे, कलर पे आने के बाद थोड़ा सा हम क्या करें, इसे इतना कुछ बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। फिर मिक्स पर आएंगे, इस पर आ जाएंगे, और इसे थोड़ा सा कम करें, इसे थोड़ा इतना कम कर बढ़ा लेंगे। फिर इस पर आएंगे, इसे कुछ इतना बढ़ाएंगे, और इसे कुछ इतना बढ़ा लेंगे, ठीक है, और इसे हम लोग कुछ इतना रहने देंगे। फिर इस पर आएंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे जैसे चाहे वैसे हम लोग कलर रख सकते हैं, तो हमारा जो है वही रहने देते हैं, बस हम क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, जैसे था वैसे ही हम बस हम बनाते जा रहे हैं। आप लोग देखिए एकदम आसान तरीके से, आप लोग भी एकदम आसान तरीके से चेंज कीजिएगा और बना लीजिएगा। फिर आएगा क्लियरिटी पे, टेक्चर पे, और डिटेल्स पे आएगा, और यहाँ पे बढ़ाइए इसे, और यहाँ पे फोटो कर लीजिएगा सेव, ठीक है। तो देखिए हमारा फोटो यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। तो गाइस आप लोग भी जल्द जाइए और बनाइए, और गाइस इस चैनल पर जो भी नए प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचे फोटो एडिटिंग का जो भी नया आए, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को मेरा वीडियो एडिटिंग अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना गाइस। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय गाइस।